Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICD Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is Glimpses of India. तो बच्चों, yesterday we completed our first part of this chapter, that is a baker from Goa. तो गोवा के बेकर किसने से हमने वहाँ का कल्चर देखा है और किस तरह से बेकर्स जो हैं दिन में दो बारी वहाँ पे जाते हैं और बच्चे किस तरह से जो हैं जब बेकर्स जाते हैं तो किस तरह से अट्रैक्टेड होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं उससे, किस लिए होते हैं बच्चों कि ब्रेड के बैंकर्स जो हैं उनको चाहिए होते हैं और लोव्स कौन खाता है, जो एडल्ट होते हैं. तो ये हमने जो है उसमें पढ़ा था फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया या ग्लिम्स. तो ये क्या है, बेकर फ्रॉम गोवा. ये क्या देख रहे हैं आप, टी फ्रॉम एसएफ. आज हम पढ़ेंगे कुर्ग के बारे में, उसकी वाइल्ड लाइफ के बारे में, उसके वेदर के बारे में. तो कुर्ग, और कुर्ग किस लिए फेमस है, स्पाइसेस के लिए, मसालों के लिए फेमस है, या कॉफी के लिए फेमस है, या रेन फॉरेस्ट के लिए फेमस है. तो यहाँ पे हम तीन स्टोरीज पढ़े हैं. तो फर्स्ट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड बेकर्स फ्रॉम गोवा, और हमने देखा था कि किस तरह से वो ट्वाइस अ डे गांव में जाते थे और अपना जो है किस तरह से जो है कितनी बारी जाते हैं या कितना किसी ने लिया है किसने काउंट करते थे वो वॉल में, और किससे करते थे, पेंसिल से. तो एट द एंड जो है वो बिल जो है कब लेते थे, एट द एंड ऑफ द मंथ, क्लियर. और डेली किसमें काउंट करते थे, वो वॉल में विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, क्लियर. तो ये बच्चों ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बेकर, ए बेकर फ्रॉम गोवा, लूसियो रॉड्रिक्स, इसने लिखी है लूसियो रॉड्रिक्स ने. अब आज हम पढ़ेंगे कुर्ग बाय लोकेश एब्रल. कल हमने यहाँ पे इसको कंप्लीट करा था और किस तरह से हमने उनके ड्रेस के बारे में भी पढ़ा था कि उसको क्या बोलते हैं. तो आज हम टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन द सेकेंड पार्ट या सेकेंड स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, दैट इज योर कुर्ग. कुर्ग इज ए कॉफी कंट्री फेमस फॉर इट रेनफेस्ट एंड रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस. तो किसके लिए फेमस है कुर्ग? कुर्ग जो है कॉफी के लिए या रेन फॉरेस्ट के लिए या स्पाइसेस मसालों के लिए जो है ये फेमस है. तो कुर्ग कहाँ है बच्चों? कर्नाटका में है, एक डिस्ट्रिक्ट है, मिटे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मंगलोर. सिट्स अ पीस ऑफ हेवन, मतलब इतना ब्यूटीफुल है कि इसको किससे कंपेयर कर रहा है, हेवन से, दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड. अब यहाँ पे क्या बोला है बच्चों, मिडे बिटवीन, अब किस किस के बीच में है, मैसूर और कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर. क्या स्थित है यहाँ पे, सिट्स ए पीस ऑफ, एक जो है पीस ऑफ हेवन है और ऐसा लगता है कि कहाँ से मूव हुआ है, ड्रिफ्टेड मीन्स मूव हुआ है, फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, भगवान के जो है हेवन से एक पीस ऑफ लैंड में भी आप कह सकते हैं, कहाँ पे आया है, मिडवे बिटवीन मैसूर के और कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर. और ऐसा लगता है कि स्वर्ग से जो है किंगडम ऑफ गॉड से एक ड्रिफ्ट मूव करके वहां पे आया है. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना सुंदर होगा जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं, क्लियर. दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहैबिटेड बाय ए प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन. अब यहाँ पे क्या कहा है बच्चों कि ये जो लैंड है जिसको हमने हेवन कहे, पीस ऑफ हेवन, दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, रोलिंग हिल्स, और यहाँ पे कौन इनहैबिटेड है, बाय प्राउड रेस, किस जाति के हैं, मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन, मार्शल मैन है, बहुत ज्यादा ब्रेव है, ब्यूटीफुल वुमेन है, एंड वाइल्ड क्रिएचर. कुर्ग और कोडेगू, या तो कुर्ग है या इसको क्या बोलते थे पहले, कोडेगू, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. तो कुर्ग क्या है, एक स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, क्लियर, इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट. यहाँ पे जो है जो फॉरेस्ट है कैसे हैं, वो रेन फॉरेस्ट है, एवरग्रीन, हमेशा कैसे रहते हैं, हरे भरे,
स्पाइसेस, स्पाइसेस किसको बोलते हैं, मसाले, एंड कॉफी प्लांटेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर एवरग्रीन यहाँ पे रेन फॉरेस्ट है तो वहां पे की ब्यूटी कितनी होगी। तो इसीलिए इसको कंपेयर किससे करा है, पीस ऑफ हेवन। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। अब आप इमेजिन कर सकते हैं अगर कितना एरिया है उसका, उसका 30% क्या है बच्चों, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कितना है, 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग द मॉनसून। अब जब मॉनसून आता है तो क्या होता है, इट पोर्स इनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे। अब ऑब्वियस है जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो विजिटर्स नहीं आते यहाँ पे विजिट करने, यहाँ पे देखने के लिए नहीं आते। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जब मॉनसून आता है तो इतनी बारिश होती है कि कुछ विजिटर्स जो है, इट कीप देम अवे। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर। अब सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है टू विजिट कुर्ग, क्लियर? तो बेस्ट टाइम कौन सा है बच्चों, लेट्स सी, फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूस टिल मार्च। सेप्टेम्बर से शुरू हो जाता है और मार्च तक। तो सबसे बेस्ट सीजन टू विजिट फॉर गो इज सेप्टेम्बर टू, सीजन ऑफ जॉय, सीजन ऑफ जॉय। कहां पे, कुर्ग में, कौन सा है बच्चों, सितंबर एंड कंटिन्यूस टिल मार्च, क्लियर? तो अगर आपको कुर्ग में जाना है और विजिट करना है तो आप किस टाइम पे जाएंगे बच्चों, सितंबर से लेके मार्च के बीच में जाएंगे। मॉनसून में जाएंगे तो बहुत ज्यादा बारिश होती है, जैसे अभी हमने पढ़ा है कि मॉनसून में क्या होता है, इट पोर्स इनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे। द वेदर इज परफेक्ट विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। मौसम जो है वहां का कैसा रहता है, वेदर अच्छा रहता है, परफेक्ट रहता है, और क्या होते हैं वहां पे, कभी कभी जो है शावर्स मीन्स रेन की जो है बारिश जो है थ्रोन इन फॉर गुड मेजर, मतलब ज्यादा नहीं होती है, हल्की फुल्की होती है जिससे सब लोग वहां पे इंजॉय कर। द एयर ब्रिज ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफी। तो यहाँ पे मार्शल का मतलब क्या है, हैविंग टू डू विथ वॉर, मतलब जैसे अभी मैंने बताया ब्रेव लोग के बारे में यहाँ पे बताया गया। कॉफी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर द ट्री कैनोपीज। अब ट्री कैनोपीज क्या होते हैं बच्चों, जब बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना ऊंचे, और जब उनके जो है शाखाएं जो है आपस में मिल जाती हैं तो वो क्या बनाती है, कैनोपी बनाती है, राइट? तो ऐसे करके अगर आप इमेजिन कर सकते हैं कि बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं और यहाँ पे ये पूरा दोनों पेड़ मिलके या बहुत सारे जो हैं फॉरेस्ट हैं, तो ये क्या बनाती है, मिलके एक कैनोपी सा बनाती है। तो वेदर कैसा है, परफेक्ट है, विद सम शार्स, बहुत थोड़े जो हैं शार्स होते हैं, थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स द एयर ब्रेथ ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफी। और हवा में किसकी खुशबू रहती है, कॉफी की। कॉफी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज, और वहां पे क्या है, बहुत जो है कॉफी स्टेट्स हैं और कॉलोनियल बंगलोज हैं, स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज, कैनोपीज के में जो है उसके पास जो है क्या है, बंगलोज हैं, अंडर इसके नीचे हैं ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। द फर्स्टली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। अब यहाँ पे क्या बोला है बच्चों, फर्स्टली मीन जो बहादुर लोग हैं जो वॉर में लड़ाई करी है जिन्होंने, तो ये और इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आत्मनिर्भर आर पॉसिबली, यहाँ पे क्या बोला है कि ये किसको बिलोंग करते हैं, या तो मे बी ग्रीक को या अरेबिक डिसेंट है। एज वन स्टोरी गोज, अब यहाँ पे इसके पीछे भी एक स्टोरीज है कि ये क्यों बोला है कि ये अरेबिक है या ये ग्रीक जो है डिसेंट है। एज वन ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी, अब यहाँ पे एक स्टोरी बताई गई है कि क्यों इनको बोला है कि अरेबिक है या क्यों बोला है ये ग्रीक है। तो एक स्टोरी हम बता रहे हैं कि ये अरेबिक क्यों है या ग्रीक क्यों है, तो ग्रीक की पहले पढ़ते हैं हम, लेट्स रीड द स्टोरी बिहाइंड इट। अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ, कि एक जो है अलेक्जेंडर का नाम सबने सुना होगा कि उसकी एक पार्ट जो है आर्मी का कहाँ मूव करा था, साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर, और वहां पे कोस्ट की तरफ जो है वो क्या हुआ, मूव करता रहा, और उसे जो है वापस जाने का कोई जो है रीजन नहीं था या
में भी जो है वो अट्रैक्ट हुआ है, दिस इज नॉट स्पेसिफाइड. तो मूव द साउथ, और वो किधर की तरफ है, साउथ की तरफ है, अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर. और वहां पे क्या हो गए, वो सेटल्ड हो गए. व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, अब यहाँ पे आ गया कि जब उन्हें लगा कि इम्प्रैक्टिकल का मतलब होता है कि पॉसिबल नहीं है वापस जाना, तो वो क्या हुए, वहां पे सेटल्ड हो गए. क्लियर. दीज पीपल मैरिड. अब इन लोगों ने क्या करा, जो एलेक्जेंडर्स की जो आर्मी थी जो सेटल्ड हो गई थी कोस्ट पे और वापस नहीं गई थी, तो उन्हें जो है वहां के लोगों ने क्या करा, उन लोगों ने क्या करा, दीज पीपल, दीज पीपल मीन्स एलेक्जेंडर की पार्टी के जो लोग थे, आर्मी के लोग थे, उन्होंने मैरिड किससे करी, लोकलाइट से. मैरिड अमंगेस्ट द लोकल्स एंड देयर कल्चर इज अपरेंट इन द मार्शियल ट्रेडिशन, और उनके कल्चर में मार्शियल ट्रेडिशन जो है अभी भी जो है यू कैन सी, देख सकते हैं. मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, जो हमारे मेन स्ट्रीम के जो जो भी हमारे ट्रेडिशन है उनसे बिल्कुल डिफरेंट है. थोड़ा सा उसमें क्या आता है, ग्रीक. क्लियर, सब पता है. यहाँ पे क्या लिखा, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम. डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, कि उनके जो भी जो है मैरिज कर रहे हैं या रिलीजियस जो राइट्स हैं वो किससे डिफरेंट है, हमारी हिंदू मेन स्ट्रीम से. क्लियर. तो यहाँ पे मिलेंगे कैनोपीज का मतलब क्या होता है बच्चों, लाइक कवरिंग्स दैट फॉर्म शेल्टर्स, प्राइम मींस हियर पेट. तो यहाँ पे हमने एक स्टोरी पढ़ी है कि ग्रीक डेसेंट क्यों बोला है इनको, कि एलेक्जेंडर की एक बड़ी जो है आर्मी का एक पार्ट जो है यहाँ पे मूव करा, और जब उन्हें लगा कि रिटर्न करना जो है इट वाज नॉट पॉसिबल, तो दे सेटल्ड देयर, और उन्होंने जो है शादी किससे करी, लोकल वुमेन से करी, लोकलाइट से करी. एंड देयर कल्चर इज अपरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशन, मैरिज एंड रिलीजियस राइट विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम. नेक्स्ट इज द थ्योरी ऑफ अरब. अब दो बोले हमने, एक अरब डिसेंट बोला या हमने कहा ग्रीक, तो ग्रीक का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अलेक्जेंडर से रिलेटेड है. नेक्स्ट इज योर द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन, ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक. अब हमें कैसे पता चलता है कि ये जो है अरब डिसेंट है, इससे पता चलता है कि ये क्या पहनते थे. जैसे हमने अभी यहाँ पे इन द प्रीवियस पिक्चर यू कैन सी, यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं, यहाँ पे ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाय द कोडवस नोन एज कुपिया. क्या बोलते हैं उसको, कोडापिया, कोडवस नोन एज कुपिया. इट रिजेंबल्स द कुफिया वॉर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्द्स. अब पहले देख लेते हैं कि किसकी बात कर रहे हैं. ये देख सकते हैं आप, ब्लैक कलर का जो है एक जो है इन्होंने पहना हुआ है, और इसकी जो वेस्ट है ये इसमें क्या है, एम्ब्रॉयडर्ड है, कढ़ाई की गई है. क्लियर. तो इसी की बात कर रहे हैं कि उसकी पहचान किससे होती है, अरब की, अरेबियंस की, जो अरब की जो स्टोरीज है यहाँ पे, जैसे हमने पढ़ा अरेबिक डिसेंट, तो ग्रीक की आपको क्लियर हो गया, अरेबिक डिसेंट क्यों है किससे पता चलता है, उनकी ड्रेस से पता चलता है, जिसको बोलते हैं कुपिया. क्लियर. ब्लैक कोट, एक बड़ा सा क्या होता है ब्लैक कोट, और उसका क्या होता है वेस्ट में, वेस्ट बेल्ट में क्या होता है, एम्ब्रॉयडर worn by the कोडावस, और जिसको क्या बोलते हैं कुफिया. इट रिजेंबल्स, और किससे रिजेंबल करते हैं कुफिया, worn by the अरब्स एंड द कुर्द्स. कुर्गी, तो दोनों का जो है अलग अलग पहचान है कि अगर हमें पता चलता है कि ये अरेबिक डिसेंट है तो वो क्या पहनेंगे, एक ब्लैक कोट पहनेंगे, लॉन्ग ब्लैक कोट, एम्ब्रॉयडर्ड होगा. और अगर वो जो है जो स्टोरी हमने पढ़ी है लोकलाइट से जो है वो शादी कर लेते हैं और वहां पे उनके कल्चर में हमें ग्रीक के जो रिलीजियस या मार्शल सारे जो है उसमें दिखते हैं. तो यहाँ पे कुर्गी होम हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी. तो यहाँ पे क्या बोला है बच्चों, कुर्गी होम्स, हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या होता है, आदर सत्कार करना. तो कुर्गी होम्स क्या है, हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैलर. अब टेल्स ऑफ वैलर क्या होता है बच्चों, स्टोरीज ऑफ करेज एंड ब्रेवरी यूजली इन वॉर. तो वहां पे जो है आप देख सकते हैं कि दैट विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस, बहुत सारी जो है टेल्स ऑफ वैलर मीन्स बहादुरी की जो है आप स्टोरी जो है वहां पे या सुन सकते हैं, और वो जो है बहुत ज्यादा फेमस है किसके लिए, आदर सत्कार के लिए, हॉस्पिटैलिटी के लिए.
रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर, और उनसे फादर और सन से रिलेटेड आप बहुत सारी जो है स्टोरी वहां पे सुन सकते हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखना कि यहाँ पे क्या बोला है कि द कुर्ग रेजिमेंट, जो कुर्ग की रेजिमेंट है, सबसे ज्यादा क्या है, मोस्ट डेकोरेटेड। मोस्ट डेकोरेटेड का मतलब क्या है कि वॉर में जो है उनको बहुत सारे जो है अवार्ड्स मिले हैं या रिवॉर्ड मिले हैं उनको। दैट इज वाई यहाँ पे क्या बोला है कि कुर्ग की रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड। तो मोस्ट डेकोरेटेड मीन्स हैविंग रिसीव द मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड्स फॉर ब्रेवरी इन द वॉर, कि लड़ाई में सबसे ज्यादा जो है उन्होंने अवार्ड्स जीते हैं किसके, ब्रेवरी के, इन द इंडियन आर्मी। एंड द फर्स्ट चीफ, और ये आपका दिखेगा भी क्वेश्चन है, फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, और हमारी इंडियन आर्मी के जो फर्स्ट चीफ थे वो भी क्या थे, कुर्गी, जनरल करियप्पा वॉज ए कुर्गी। कौन थे वो, कुर्गी थे। इवन नाउ कोडावस आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस, और अभी भी जो है इंडिया में कुर्गी लोगों को जो है फायर आर्म्स जो है अपने पास रख सकते हैं विदाउट लाइसेंस, खाली उन्हीं को परमिशन है। तो यहाँ पे आपको क्या पता चला कि कुर्गी में जो है बहुत सारे जो है यहाँ के जो हमारे इंडिया के फर्स्ट चीफ जो थे इंडियन आर्मी के, वो कौन थे, जनरल करियप्पा, और कौन थे वो, कुर्गी थे। क्लियर। और यहाँ पे और खासियत क्या है कि सारे जो है आप यहाँ पे बहुत सारी जो है यू कैन सुन सकते हैं कि स्टोरीज ऑफ करेज एंड ब्रेवरी यूजली इन वॉर। तो यहाँ पे आप इसको लर्न कर ले कि फर्स्ट चीफ जनरल, फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, कौन थे, जनरल करियप्पा, और कौन थे वो, कुर्गी। क्लियर। और किसको परमिशन थी कि बिना लाइसेंस के आप फायर आर्म्स रख सकते हैं, कोडावस को। द रिवर कावेरी, अब यहाँ पे बता रहे हैं रिवर कावेरी की बात कर रहे हैं, ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट। अब कावेरी रिवर आपने सबने सुनी होगी जियोग्राफी में कि ये अपना पानी कहाँ से लेती है, ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। कुर्ग के जो फॉरेस्ट है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि रेन फॉरेस्ट है, क्लियर, तो बारिश होती रहती है, तो कौन किसको फेड करती है, ये कावेरी रिवर को। महासीर ए लार्ज वाटर फिश, फ्रेश वाटर फिश। तो महासीर क्या है बच्चों, ए लार्ज वाटर फ्रेश वाटर फिश, अबाउंड इन दीज वाटर्स, बहुत सारी जो है यहाँ पे पाई जाती है। किंग फिशर्स डाई फ्रॉम देयर कैच, वाइल्ड स्क्विरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्शियली इटन, मतलब आधे खाए हुए जो फल है, फ्रॉम फॉर द मिस्चीफ ऑफ एंजॉइंग द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट ऑफ द क्लियर वॉटर। जब आप पानी साफ होता है तो क्या होता है, अगर आप उसमें कुछ डालेंगे तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो लंगूर है, लंगूर क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं, पार्शियली इटन मीन्स आधे खाए हुए फ्रूट को शैतानी के लिए और एंजॉय करने के लिए, और जब वो उस पर फेंकते हैं पानी के अंदर क्लियर वाटर पे, तो क्या होते हैं वहां पे लहरें बनती है, रिपल्स बनते हैं, क्लियर, और स्प्लैश करते हैं, पानी उछलता है, उसको क्या बोलते हैं, स्प्लैश। एंजॉइंग द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर, तो पानी में अगर आप एक पत्थर भी डालेंगे तो वह क्या बनते हैं, रिपल्स बनने शुरू हो जाते हैं। Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mahouts. और यहाँ पे क्या बोला है कि जो elephants होते हैं हाथी, वो भी क्या करते हैं, पानी में अपने आप को बात करते हैं, रब करते हैं, स्क्रब करते हैं, किसके साथ, अपने mahouts के साथ। The most laid back individuals, laid back क्या होता है बच्चों, relaxed, not in a hurry. The most laid back individuals become converts to the life of high energy adventure with the river rafting, और वहां पे games कौन से होते हैं, adventures कौन कौन से होते हैं, rafting होती है, canoeing होती है, rappelling होती है, या rock climbing and mountain biking, numerous walking trails
ट्रेल्स इन दिस रीजन आर ए फेवरेट विद ट्रैकर्स। तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रैकर्स आते हैं और वो यहाँ पे एडवेंचर्स करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट जो है, यहाँ पे एडवेंचर्स गेम जो है यहाँ पे लिखे हैं, कैनोइंग है, रैपलिंग है या राफ्टिंग है। तो यहाँ पे कौन आते हैं? न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स बहुत ज्यादा है यहाँ पे, जिसकी वजह से जो है ट्रैकर्स आते हैं, ट्रैक्स बने हैं। तो ट्रैक्स क्या होता है बेटा? राफ्टिंग क्या होता है? ट्रैवलिंग इन अ रिवर इन अ राफ्ट। कैनोइंग क्या होता है? ट्रैवलिंग इन अ रिवर इन अ कैनोए। कैनोए क्या होता है? ए लार्ज नैरो बोट। एक लार्ज नैरो बोट में जो है जब ट्रैवलिंग करते हैं इन अ रिवर, दैट इज कॉल्ड योर कैनोए। राफ्टिंग क्या होता है? ट्रैवलिंग इन अ रिवर इन अ राफ्ट, अ फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म मेड बाय टाइंग प्लैंक्स टूगेदर। तो आप लोगों ने देखा होगा राफ्टिंग कैसे करते हैं या कैनोइंग में डिफरेंस क्या है दोनों में। नेक्स्ट इज रैपलिंग क्या होता है? गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप। ऊपर चढ़ते हैं और एक रोप के हिस्से जो है नीचे आते हैं, उसको बोलते हैं रैपलिंग। गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप। ट्रेल्स क्या होते हैं? पाथ क्रिएटेड बाय वॉकिंग। ट्रैकर्स के लिए जो पाथ बने रहते हैं उनको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रेल्स। तो यहाँ पे क्या बताया गया है बच्चों कि कावेरी रिवर है। कावेरी रिवर को फेड कौन करता है? वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड द फॉरेस्ट, राइट। और यहाँ पे कौन सी फिश पाई जाती है? महासीर। महासीर क्या है? ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दिस वाटर। और दूसरा क्या बताया? किंग फिशर जो डाइव करते हैं फॉर देयर कैच। व्हाइट स्क्वायरल्स, स्क्वायरल्स क्या होती है? गिलहरियां। एंड क्योंकि आगे क्वेश्चन आएगा कि कौन कौन से वहां पे एनिमल्स मिलते हैं तो आपको ये सारे लिखने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज स्क्वायरल के बाद क्या है? लंगूर्स। और लंगूर्स क्या करते हैं आप सबको पता है, बंदर और मंकी और लंगूर क्या करते हैं? बहुत ज्यादा मिस्चीफ होते हैं। ये हाफ इटन जो है, पार्शियली इटन फ्रूट्स को पानी के अंदर डालते हैं, मिस्चीफ ऑफ एंजॉयिंग द स्प्लैश। और जब पानी के अंदर डालेंगे हाफ इटन या पार्शियली इटन फ्रूट तो क्या होगा बच्चों? पानी क्या होगा? स्प्लैश होगा, बाहर आएगा और उसके अंदर क्या बनेंगे? रिपल्स बनेंगे। तो इसको वो एंजॉय करते हैं कौन? लंगूर्स। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि एलिफेंट। तो कौन कौन से बताए अभी? किंगफिशर, महासीर फिश, किंगफिशर, स्क्वायरल्स और लंगूर्स। और नेक्स्ट इज योर एलिफेंट। एलिफेंट भी एंजॉय करते हैं, बात करते हैं, स्क्रब करते हैं द रिवर बाय देयर माउथ्स। द मोस्ट लेट बैक इंडिविजुअल बिकम कन्वर्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर। वो क्या क्या है बच्चों? राफ्टिंग है, कैनोइंग है, रैपलिंग है। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है तो यहाँ पे से आप उसको क्लियर कर सकते हैं। रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। और इसके अलावा जो है बहुत सारे वहाँ पे ट्रेल्स बने हैं, पाथ बने हुए किसके लिए? फॉर वॉकिंग, राइट। पाथ क्रिएटेड बाय वॉकिंग। रीजन आर ए फेवरेट विद ट्रैकर्स। बर्ड्स कौन कौन सी? बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज आर देयर टू यू कंपनी। तो अगर आप वहां पे जाएंगे तो कौन कौन से जो है? चिड़ियाएं हैं, मधुमक्खियां हैं, बीज हैं एंड बटरफ्लाइज, तितलियां आर देयर टू गिव यू कंपनी। तो आपको ये सारी चीजें क्या करेंगी? वहां पे कंपनी देंगी। कौन कौन? बर्ड्स है, बीज है, मक्खियां हैं और बटरफ्लाइज, मकेक्स, मलाबर स्क्वायरल्स, लंगूर्स एंड स्लैंडर लॉरीज कीप ए वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। तो यहाँ पे क्या बोला है बच्चों? यहाँ पे डिफरेंट जो है मकेक्स हैं, मलाबर जो है, स्क्वायरल हैं, ये लंगूर्स हैं, ये स्लैंडर लॉरीज हैं, ये क्या करते हैं? पेड़ के ऊपर बैठी रहती हैं और आपको वहां से जो है ट्री कैनोपी से आपको देखती रहती हैं। क्लियर? ए वॉचफुल आई From the tree canopy, I do, however, prefer to step aside for wild animals. A wild elephant. परंतु आपको किससे बचे रहना चाहिए? Wild elephants के लिए. The climb to the Brahmagiri hills. अब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? Brahmagiri hills की बात करें तो यहाँ पे हमने different animals की बात करी है या birds की बात करी है या लंगूर्स, एनिमल्स, बर्ड्स, बटरफ्लाइज सबकी बात करी है। और कौन कौन से यहाँ पे आप जो है एडवेंचरस गेम खेल कर सकते हैं? यहाँ पे रैपलिंग है या कैनोइंग है या राफ्टिंग है या ट्रैकर्स का जो है ये फेवरेट जगह है। यहाँ पे बर्ड्स, बीज और बटरफ्लाइज भी आपको यहाँ पे कंपनी कर सकती है। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, द क्लाइंब टू द Brahmagiri hills. अब यहाँ की फेमस हिल कौन सी है? Brahmagiri hills। तो अभी हमने रिवर की बात करी तो कौन सी रिवर है?
कावेरी रिवर। तो आपने ज्योग्राफी के मैप में देखा होगा कुर्ग कहाँ है, कर्नाटका कहाँ है, कर्नाटका में एक कुर्ग डिस्ट्रिक्ट है और वहां पे कौन सी रिवर बहती है, कावेरी। क्लियर? और उसको पानी कहाँ से मिलता है, हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग से। द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स, हम यहाँ पे किसकी बात करें, ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू अ पैनोरमिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। अगर आप क्लाइम करते हैं कहाँ पे, महागिरी हिल्स में, ब्रह्मगिरी सॉरी ब्रह्मगिरी हिल्स में अगर आप क्लाइम करते हैं, चढ़ते हैं, तो वहां से आपको क्या दिखाई देगा, ब्यूटीफुल वाइड एरिया ऑफ लैंडस्केप, सुंदर नजारा आप देख सकते हैं। यू कैन सी पैनोरमिक व्यू फ्रॉम द ब्रह्मगिरी हिल्स ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। क्यों मिस्टी क्यों रहता है बच्चों, क्योंकि वहां पे क्या है, रेन फॉरेस्ट है और बारिश जो है होती रहती है, तो दैट इज वाई वहां पे क्या रहता है, मिस्टी पैनोरमिक व्यू। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 acres आइलैंड ऑफ निसार गधामा रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट। अब यहाँ पे क्या बोला है कि अगर आप जो है ब्रह्मगिरी हिल्स में चढ़ते हैं तो आपको वहां से क्या दिखाई देगा, एंटायर जो है पैनोरमिक व्यू दिखाई देगा, एक वाइड एरिया ऑफ लैंडस्केप जो कैसा रहेगा, पैनोरमिक व्यू क्यों रहेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा कैसा रहता है, मिस्टी लैंडस्केप। अब यहां से कह रहे हैं कि अगर आप वॉक करते हैं एक रोप ब्रिज, और रोप ब्रिज आपको कहां तक पहुंचाएगा, लीड टू द 64 acres, कहां पे लीड कहां पे जाता है वो, 64 acres आइलैंड ऑफ निसार गधामा। तो यहां से क्या जाएगा, एक जो है यहाँ पे रोप ब्रिज है, क्लियर, और कहां से जाएंगे आप, ए वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज कहां पे पहुंचाएगा आपको, 64 acres आइलैंड, और आइलैंड कौन सा है बच्चों यहाँ पे, निसार। तो ये आप याद करें इसीलिए मैं यहाँ पे जो है लिख रही हूं, निसार गधामा, राइट, निसार गधामा आइलैंड पे आप जो है पहुंचेंगे अगर वहां से आप चलते हैं। क्लियर? तो आइलैंड क्या होता है बच्चों, पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल सीन होगा वहां पे कुर्ग में। क्लियर? तो यहाँ भी ये आइलैंड की बात करी है कि अगर आप वहां से चलते हैं तो आप कहाँ पहुंचेंगे, एक आइलैंड में जो कितना फैला हुआ है, 64 acres। क्लियर? रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट एट नियर बाय बाइला कुपी इज ए बोनस। द मॉन्क्स इन, और सारे मॉन्क्स की ड्रेस कैसी होती है बच्चों, आपने देखा होगा कि रेड कलर की होती है, रेड ओकर एंड येलो रोब्स आर अमंगस्ट द मेनी सरप्राइजेस दैट नीड टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर सर्चिंग। अगर आप वहां पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे जो है सरप्राइजेस मिलेंगे कहाँ पे, आइलैंड पे। क्लियर? तो वहां से वो क्या कह रहे हैं कि रनिंग इनटू द बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम द इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट एट नियर बाय बायला कुपी इज अ बोनस। और मॉन्क्स कैसे दिखेंगे आपको, रेड ओकर येलो रोब्स में दिखेंगे, और इसके अलावा जो है आपको बहुत सारे सरप्राइजेस जो है आपको वेट कर सकते हैं, टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हियर इन कुर्ग। तो कुर्ग को इसीलिए हमने क्या बोला है कि इट इज अ पीस ऑफ हेवन, कि हेवन से जो है ये एक जो है ड्रिफ्ट होके आया है या मूव करके आया है, कहाँ पे, मिडल ऑफ द, जैसे अभी हमने पढ़ा था, मिडल ऑफ द मिडवे बिटवीन मैसूर और कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। तो ये आप बिल्कुल याद रखें कि कहाँ से कहाँ तक जो है किसके बीच में सेटल्ड है। सिट्स अ पीस ऑफ हेवन, क्या बोला है इसको, पीस ऑफ हेवन, और कहाँ से ड्रिफ्ट हुआ है ये, किंगडम ऑफ, ऐसा लगता है कि ये कहाँ से आया, किंगडम ऑफ गॉड, ड्रिफ्टेड मीन्स मूव। क्लियर? और यहाँ पे जाने का सबसे बेस्ट सीजन क्या है बच्चों, सितंबर एंड कंटिन्यूस टिल मार्च तक का, और उससे पहले अगर मॉनसून में जाएंगे तो बहुत ज्यादा बारिश होती है, दैट इज वाई यहाँ पे जो है सेंटेंस है, इट पोर्स ड्यूरिंग द मॉनसून, इट पोर्स इनफ, इतनी ज्यादा बारिश होती है जिससे विजिटर्स को, टू कीप मैनी विजिटर्स अवे फ्रॉम दैट प्लेस। क्लियर?
और यहाँ पे हमने दो स्टोरी पढ़ी, एक ग्रीक की एक अरेबी की पढ़ी। अगर आपको ग्रीक की पहचान करनी है तो वो जो है अलेक्जेंडर के टाइम के हैं, उनकी एक आर्मी जो है वहां पे सेटल हो गई थी, और किस तरह से दीज पीपल मैरिड अमंगेस्ट द लोकल्स, लोकल से शादी कर दी थी, और उनके कल्चर में भी ग्रीक जो है ट्रेडिशन दिखते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ी थी किसकी, अरेबिक की, राइट। तो वो एक जो है ब्लैक कलर का कोट पहनते हैं, और उनके वेस्ट में जो बेल्ट होती है वो एम्ब्रॉयडर्ड होती है, और दैट वाज वॉर्न बाय द कोडावस नोन एज कुफिया। और ये किससे रिसेम्बल करती है, कुफिया से, वॉर्न बाय द अरस एंड द कुछ। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे जो है बहुत सारे जो है मेडल्स लोगों ने जो है ब्रेवरी के यहाँ पे मेडल्स जीते हैं, और आप जो है वहाँ पे स्टोरी जो है बहुत सारी सुन सकते हैं किसकी, ब्रेवरी की। और यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो है इंडिया की, इंडियन आर्मी के फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी कौन है, जनरल करियप्पा, और वो भी क्या है, एक कुर्गी है, क्लियर। और कोडावस खाली ऐसे है, इवन नाउ अभी भी जो है कोडावस को परमिशन मिली है, किस किस चीज की परमिशन मिली है, कोडावस आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस, क्योंकि लाइसेंस के बिना आप जो है कोई भी फायर आर्म्स नहीं रख सकते, बट दे हैव बीन परमिटेड, उनको जो है परमिशन दी गई है। फिर हमने देखा कि यहाँ पे जो है रिवर कौन सी बहती है, कावेरी रिवर, और कहाँ से फेड होती है ये, फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। और कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं ये ऑलरेडी हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो है थर्ड जो है पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, तो अभी हमने कुर्ग के बारे में पढ़ा है कि कुर्ग क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट है, कर्नाटका में डिस्ट्रिक्ट है, और इट इज किसके लिए फेमस है, स्पाइसेस के लिए, मसालों के लिए फेमस है, कॉफी के लिए फेमस है, या रेन फॉरेस्ट के लिए फेमस है, क्लियर। तो अभी आपकी समझ में आ गया होगा, और ब्रेवरी के लिए भी जो है ये फेमस है, और किस तरह से हमने देखा फर्स्ट जो है हमारे चीफ थे इंडिया, इंडियन आर्मी के कौन थे, जनरल करियप्पा थे, वो भी एक कुर्गी थे, क्लियर। तो ये हमने पढ़ा इसके बारे में कुर्ग के, और उससे पहले पढ़ी थी हमने फर्स्ट पार्ट, दैट इज योर ए बेकर फ्रॉम गोवा, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज योर टी फ्रॉम असम। आप लोगों के घर में चाय पीने के सब शौकीन होते हैं, तो असम चाय के जो है, चाय फ्रॉम असम जो इट इज सबको पता है कि बहुत ज्यादा फेमस है, क्लियर। फ्रेंच ऑल, अब यहाँ पे टू फ्रेंड्स की स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं, क्लियर। तो प्रांजोल की और राजवीर की स्टोरी है, किस तरह से दोनों जो है इकट्ठा पढ़ते हैं, क्लासमेट्स हैं, बट समर वेकेशन में किस तरह से वो वहां पे असम में आते हैं, इनवाइटेड, कौन इनवाइट करता है राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। होता है ना कि अगर साथ में पढ़ रहे हैं तो कई बार होता है कि चलो छुट्टियां पड़ी हैं, आप जो है हमारे घर जाए चले। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम, प्रांजोल, प्रांजोल कौन है बच्चों, यंगस्टर फ्रॉम असम इज राजवीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। दिल्ली में दोनों पढ़ते हैं और दिल्ली में जो है दोनों क्लासमेट्स हैं, क्लियर। तो प्रांजोल क्या है, यंगस्टर फ्रॉम असम, असम का यंगस्टर है, और इज राजवीर क्लासमेट, और किसका क्लासमेट है, राजवीर का है, एट स्कूल इन दिल्ली। प्रांजोल के जो फादर हैं क्या है, वो मैनेजर, कहाँ पे मैनेजर है, टी गार्डन में, इन अपर असम। एंड प्रांजोल हैज इनवाइटेड, अब प्रांजोल ने किसको इनवाइट करा, राजवीर को, टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन, कि गर्मी की छुट्टियों में आप जो है मेरे घर को जो है विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। तो यहाँ पे हम किस किस की बात कर रहे हैं बच्चों, प्रांजोल की, और सेकंड कौन है, राजवीर। राजवीर जो है बेसिकली कहाँ का रहने वाला है, दिल्ली का है, बट प्रांजोल कहाँ का है, असम का। तो प्रांजोल किसको इनवाइट करता है बच्चों, राजवीर को, कब इनवाइट करता है, समर वेकेशन में, क्लियर। और प्रांजोल के फादर क्या है, मैनेजर है ऑफ ए टी गार्डन इन अपर असम। चाय गर्म, अब कभी आप जो है रेलवे स्टेशन में गए हैं बच्चों, तो किसकी आवाज सुनाई देती है, कौन से वेंडर्स वहां पे घूमते हैं, चाय गर्म, राइट। तो ये आवाजें जो है बहुत सुनाई देती हैं। तो अगर आप रेलवे स्टेशन में गए हैं और कहीं पे आप गए हैं बाई ट्रेन, तो इट इज अ वेरी फैमिलियर जो है, बहुत आवाज आपको सुनाई देगी, चाय गरम गरम चाय। ए वेंडर कॉल्ड आउट इन ए हाई पिच्ड वॉइस, अब जितनी जोर से बोल सकते हैं उतनी जोर से वो चिल्लाते हैं, भाई चाय गरम चाय गरम, क्योंकि बहुत सारे वेंडर्स वहां पे घूमते रहते हैं।
चाय गरम गरम चाय और वेंडर कॉल्ड आउट इन इन अ हाई पिच वॉइस, जोर जोर से चिल्ला रहे थे. ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क चाय साहब. अब वो कहाँ पे गए, किसके लिए यूज हुआ ही, वेंडर के लिए. कहाँ पे गए, विंडो में गए. किसकी विंडो में गए, जहाँ पे वो बच्चे बैठे थे. तो व्हाट ही सेड, ही केम अप देयर विंडो एंड आस्क चाय साहब. तो क्या बोला उन्होंने, चाय साहब गिव अस टू कप्स. अब प्रांजल ने क्या बोला कि हमें कितने कप दो चाय, टू कप्स. प्रांजल सेड दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड. तो आपने देखा होगा कि जब चाय पीते हैं तो उसमें से क्या निकलती है, वेपर्स निकलती है, स्टीम निकलती है बाहर. तो जब वो सिप कर रहे थे तो दे सिप द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, गरम गरम चाय को पी रहे थे. ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू. और जितने भी उनके कंपार्टमेंट में लोग थे, सारे के सारे क्या कर रहे थे, दे ऑल्सो ड्रिंकिंग टी. डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी. अब तो बच्चों यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं, देखो यहाँ पे. डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे. कि एक दिन में कितने कप चाय हमारे यहाँ पे जो है कंज्यूम होती है, 80 करोड़, ओवर 80 करोड़. तो आप सोच सकते हैं कि इंडिया में कितनी चाय पी जाती है, एक दिन का यहाँ पे रिकॉर्ड है थ्रू आउट द वर्ल्ड. सॉरी, थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का अगर हम यहाँ पे देखें तो ओवर 84 करोड़, राइट, टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड. पूरी वर्ल्ड की बात कर रहे हैं. राजवीर से वाओ, एक्सक्लेम्ड प्रांजल, टी रियली इज वेरी पॉपुलर. उसने कहा भाई टी जो है वास्तव में बहुत ज्यादा पॉपुलर है. अब इसके पीछे की क्या कहानी है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. तो अभी आपको पता चला है कि एक दिन में पूरे वर्ल्ड की बात करें तो कितने कप ऑफ टी कंज्यूम होते हैं, ओवर 80 करोड़ कप्स, राइट. तो आप लोग पीते हैं बच्चों चाय, क्लियर. तो आप अपने आसपास पूछ सकते हैं कि कितने लोग चाय पीते हैं, या रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो आपको किसकी आवाज सुनाई देती है, ज्यादातर किसकी आवाज सुनाई देती है, और स्पेशली इन द मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे, क्लियर. तो बच्चों इसको जो है चैप्टर को रिवाइज करें, क्योंकि तीन स्टोरीज हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं, इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, और कई बातें जो है आपको पता नहीं है, वो फैक्ट्स आपको पता चल रहे हैं थ्रू दिस स्टोरी. और कल्चर हमारे देश का जो है पता चल रहा है किसके थ्रू, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, क्लियर. तो बच्चों रिवाइज द चैप्टर एट होम, और नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंटिन्यू द सेम. टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.